आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गिर घाटी के बैसाखी मेलों की श्रृंखला में दूसरे दिन कौब माल व मिंग तीन अलग अलग गांव के मेलों में इस बार शानदार रौनक देखने को मिली। बृहस्पतिवार यानी बैसाखी मेलों के दूसरे दिन तीनों स्थानों पर मिंगेश्वर महादेव, कौबेश्वर महादेव और मालेश्वर महादेव के मंदिरों में श्रद्धालुओं और मेलार्थियों की भारी भीड़ रही। ध्याड़ियों यानी ब्याही गई महिलाओं और श्रद्धालुओं ने महादेव व अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर मनौतियाँ मांगी। आपको बता दें कि एक वह भी दौर था जब इसी मेले में ससुराल से आकर बेटियां ही मेले के दरमियान आपस में मिला करती थी, क्योंकि उस दौर में पहाड़ों में यातायात की बहुत विकट समस्या थी और दूर दूर ब्याही गई बेटियों के लिए अपने मायके बार बार आना इतना संभव नहीं हो पाता था। हमने वो दौर भी देखा है जब बेटियां ही मेले में आकर एक दूसरे से लिपट कर दहाड़े मार कर रोया करती थी। इस मायने में यह मेले देव दर्शनों के साथ साथ सबको आपस में मिलाने का काम भी करते थे। समय बदला, विपरीत परिस्थितियों ने दामन तो छोड़ा, परंतु अब पौराणिक और अपने पूर्वजों की ऐसी बेमिसाल धरोहरों को आधुनिकता में भूलने गए और इन मेले के अस्तित्व पर बादल मंडराने लगे। परंतु अब लोग आधुनिकता से उकता कर एक बार फिर से इनके संरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं और फिर इस मेलों में रौनक लौटने लगी है। दूसरे दिन के मेले में कौब गांव में कौबेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण महिलाओं ने देव संस्कृति से जुड़े झूमिले गीतों व नाटकों की लाजवाब प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बूढ़ा देव का नाटक ने मेलार्थियों को मजाकिया अंदाज में संदेश देकर हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। इसी के साथ बैसाखी मेलों की श्रृंखला का दूसरा मेला हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मेले में आए हम, आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ क्या बोलते, महादेव की पूजा हुई, जो यहाँ से पंती गए थे नहाने, हम कल उन्हीं के साथ आए। यहाँ पहली बार आए, यहाँ पर आकर के हमें बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने को मिले, जिसे देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखे, हमने अपनी संस्कृति देखी कि हमारी संस्कृति जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वो कैसी होती है। हम इसी के साथ ये करते हैं कि भगवान महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आपका आपके साथ रहें। मैं इस मेले के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो ये संस्कृति है, ये जागरूक होनी चाहिए, जो हमारे पीढ़ियों से चल रही, इसको हम हमारे महिला संगीत से लेकर हमारे सारे बुजुर्ग लोग इसको जागरूक रखें और हमें ऐसे ही भगवान की लीला मिले। मैं भगवान, मैंने साड़ी चढ़ाई थी, मैंने साड़ी मैंने अपने बच्चों की उससे भविष्य के लिए, तो आज मुझे वो मिला जब मैंने भगवान के लिए चढ़ा। कहना है जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो लुप्त होने जा रही थी, तो आप लोगों के सहयोग से और पूरी जनता के सहयोग से, हमारे संगठन के सहयोग से, हमारा ये कौब का दो गते बैसाखी का जो मेला है वो बहुत भव्य रूप से आगे बढ़ रहा है और हम आगे भी सभी लोगों से यही विनती करेंगे कि आगे हमारा ये मेला पौराणिक संस्कृति। महादेव का पुजारी हूँ। महोदय, हमारे यहाँ पैतृक से जब से हमारे बाप दादा जब से महादेव की स्थापना इस कौब गांव में हुई होगी, उसके पूजा अर्धाना करते हैं और विधिपूर्वक पूर्वजों की तरह जैसे पूजा पाठ करना, देवी देवताओं को नचाना, ये हमारी पुरानी परंपरा है। विगत कुछ सालों से कुछ कोविड की वजह से और कुछ ये नए मॉडल, आज का जमाना मॉडल के जमाने बीच में ये प्रोग्राम थोड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत इधर उधर बिगड़ गया था, लेकिन अब हमारा ऐसा प्रोग्राम बना रखा है कि हम पुराने नए स्तर से अपने ढंग से पुराने स्तर से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ये देव को थी कि हमारे गांव को मैं 15 तारीख को बैसाखी के दो गते को लगता है। इसमें इससे पहले हमारी काफ़ी संस्कृति जो हुई थी वो लुप्त होने के कगार पे है। अभी हमने कुछ नया करके इसको नया रूप दिया है, जिससे कि आने वाले समय में भी ये जो हमारी सामाजिक संस्कृति है और जो वेशभूषा है इसको बरकरार रखने के लिए ये आगे हम पूर्ण प्रयास करेंगे, जिससे कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी
इसमें वो पीढ़ी आगे कुछ कर सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।